वेलकम टू अवर चैनल, माय नेम इज आशीष और इस लेक्चर में हम देखेंगे राइट ब्रोंकोग्राम ऑफ द चेस्ट। तो ये ब्रोंकोग्राम क्या होता है? एक एक्सरे होता है जहाँ पर सारे एयर फिल्ड एल्वुलाई, जो आपको यहाँ दिख रहे हैं, यहाँ पर पूरे सारे ये सब जो एयर फिल्ड एल्वुलाई हैं ये पूरे क्लियरली दिखते हैं बिना, और इस पॉइंट में जो लंग्स में होता है एकदम लीस्ट एयर होती है। सो बहुत ही क्विकली देख लेते हैं आपको एग्जामिनर को कौन कौन से पॉइंट बताने हैं और आपको ये एक्सरे देता है। ये एक्सरे यूजुअली नहीं दिया जाता स्टूडेंट्स को, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट अगर आपको बाई चांस मिल जाता है तो आपको कौन कौन से पॉइंट बताने हैं वो हम देख लेते हैं। सो सबसे पहले आपको बताने हैं एज यूजल ये कौन सा व्यू है। सो दिस इज़ द पोस्टर एंडेरो, मतलब पीएवी हो गया, ब्रोंकोग्राम ऑफ द चेस्ट, क्योंकि आपको जहाँ पर आपको ये सारे एल्वुलाई सब दिखने लगे तो आपको उसको बताना है ये ब्रोंकोग्राम है। सो दिस इज़ पोस्टर एंटीरियर ब्रोंकोग्राम ऑफ द चेस्ट। सो उससे बाद आपको बताने कौन कौन से बोन्स दिखने सबसे पहले एक्सरे में। तो ये हो गया क्लेविकल, सो लेफ्ट एंड राइट क्लेविकल आपको विजिबल है इसमें। इसमें आपको स्कैपुला विजिबल है, सो दिस इज़ ओवर स्कैपुला है, सेम दूसरी साइड भी है, और उसके अलावा आपको यहाँ पर रिब्स विजिबल है जो ऐसे ऐसे जा रहे हैं आपको रिब्स। तो आपको सबसे पहले बताना है आपको कौन कौन से बोन्स दिख रहे हैं। सो उसके अलावा आपको यहाँ पर एक कार्टिलेज दैट वाज ट्रैकिया का ट्यूब पूरा विजिबल है आपको यहाँ पर, एकदम क्लियर विजिबल है। इसका पार्टीशन भी विजिबल है, प्रिंसिपल ब्रोंकस में इसका पूरा पार्टीशन भी क्लियरली आपको दिख रहा है। उसके अलावा आपको ये ब्रोंकस का फर्दर डिविजन दिख रहा है आपको यहाँ पे, और फाइनली आपको यहाँ पर एल्वुलाई दिख रहे हैं। उसके अलावा आपको यहाँ पर एक विसरा भी दिख रहा है, वो कौन सा विसरा है? वो है हार्ट, सो दिस इज हार्ट। तो यहाँ पर पूरा क्या है? ये है हार्ट। अब आपको बताना है कि इसने अब क्या बचा, बोन सारे डिस्कस कर ली, विसरा आपको बता दिए, कौन सा व्यू है? सबसे पहले व्यू बताना है पोस्टर एंटेरो ब्रोंकोग्राम, क्योंकि इसमें एल्वुलाई दिख रहे हैं ये, इसलिए इसको ब्रोंकोग्राम बोलते हैं। तो हमने बोन्स डिस्कस के लिए क्लेविकल, स्कैपुला, आपने फिर ट्रैकिया भी बता दिया, आपने एल्वुलाई, प्रिंसिपल ब्रोंकस जो दिख रहे हैं आपको वो भी बता दिया, हर्ट बता दिया, और जो एको विसरा है वो है डायफ्राम, जो मसल यहाँ पर ये जो डायफ्राम, ये हो गया डायफ्राम। आपको पहले बता चुका हूँ डायफ्राम पे जस्ट नीचे क्या होता है लेफ्ट साइड, ये होता है फंडस में जो गैस होती है वो यहाँ पर विजिबल होती है। सो दिस इज़ द गैस इन द फंडस पार्ट ऑफ द स्टमक। स्टमक कुछ ऐसा होता है ना ऊपर, सो जो ऊपर का पार्ट होता है इसे बोलते हैं फंडस। तो इसमें जो गैस फिल्ड होती है वो ऐसे दिखती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द पोस्टर एंटेरो ब्रोंकियोग्राम ऑफ द चेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।